हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि वीकली में क्या कैंडल बनी है यहाँ पे, क्या कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो वीकली में देखा थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट एक तरफ चला है यहाँ पे। जून 22 से आप देखेंगे तो 1500-2300 के यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चला है। बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख दिया करा था, लेकिन देखा है तो काफी अच्छा मोमेंटम आया। तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बन सके इसी के टॉप पे, क्योंकि ये लेवल काफी अच्छा क्रुशियल लेवल है 18,000 के ऊपर का जो है बन रहा है यहाँ पे। तो 19,000 का लेवल इसको क्रॉस करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए यहाँ पे। तो वीकली का तो ये है। अब हम डेली पे देखते हैं, डेली पे क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तो डेली पे देखा है तो डेली पे थोड़ी सी और ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये डेली पे टॉप पे यहाँ पे इसने से करेक्शन बनाया था यहाँ पे। और अभी भी देखो ये जो कैंडल बनी है रिसेंट वाली फ्राइडे की, तो ये काफी नेगेटिव बनी है और इसने अभी इस बाकी सारी कैंडल्स को इसमें कवर कर लिया। तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी से ज्यादा लग रही है। अब हम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लेवल्स अभी कल के लिए क्या रह सकते हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले सारे लेवल्स निकालता हूँ इसमें। इसमें अभी इसे मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे 18496 के यहाँ पे। तो अभी ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो फ्राइडे को थर्सडे को लगातार यहाँ पे जो कंडीशन देख के यहाँ से मोमेंटम इसमें रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि 4-5 दिन से मोमेंटम नेगेटिव हो गया था और इसने जो थर्सडे क्लोजिंग दी थी यहाँ पे इसके ऊपर दी थी। पर क्या करा, फ्राइडे को यहाँ पे इसने इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया जो पहले भी यहाँ पे इसी जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए थे, उसी जगह से आपस रिवर्सल लेके नीचे पूरा एक तरफा गिरावट आई। और कहीं ना कहीं उस गिरावट की वजह से रिलायंस से और आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो मतलब लार्ज कैप शेयर है वो भी 5-6% गिर गए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि लार्ज कैप शेयर में इतनी तेज गिरावट आती है। तो वो इम्पैक्ट था और एक रिलायंस था, ये दोनों इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा उसके ऊपर निफ्टी के ऊपर, इस वजह से ये चीजें हुई है। तो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है या फिर क्या रहता है, वो चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकती है। पहले तो 18496 पे बंद हुआ है, तो ऊपर की तरफ पहली रेजिस्टेंस आ सकती है 18550 से लेकर 18582 की एक रेंज है यहाँ पे। तो इस रेंज में आ सकती है, 18550 काफी अच्छा रेंज था, क्योंकि 2-3 दिन से इसी रेंज के अंदर घूम रहा था मार्केट। पर इसने 2 दिन के यहाँ पे रेंज के बाद से तीसरे दिन में इसमें यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, इसने यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया। तो ये रेंज हो गई यहाँ पे, तो 18550 फिर 18582 का भी एक लेवल है रेंज है। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर इधर 18640 6018666 तक जा सकता है निफ्टी यहाँ पे इस कंडीशन में। और नीचे तरफ पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे नीचे तरफ पहला सपोर्ट आएगा यहाँ पे 18465 के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पर थोड़ा सा मार्केट ने रेंज पे सपोर्ट किया था। जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये देखिए इस जगह पर ही मार्केट ने यहाँ सपोर्ट किया 2-3 बार। तो इस जगह पर ही एक बार माइनर सपोर्ट लेगा यहाँ पे 18465 के यहाँ पे ले सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो 410 के लेवल आराम से टच कर सकता है मार्केट, और 410 ब्रेक करा तो 358 के लेवल तक आराम से जा सकता है निफ्टी उसमें कंडीशन। आपको साथ में सबसे ज्यादा रिलायंस को वॉच करना जरूरी है। रिलायंस के बारे में हम देखते हैं एक बार कि रिलायंस क्या रहता है। रिलायंस और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाले कंडीशन है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सीन में। यहाँ पे रिलायंस का मैं डेली टाइम फ्रेम का देखता हूँ पहले वहाँ क्या कंडीशन चल रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये 2600 का जो ये वाला लेवल था 2617 के आसपास का, और 2602 वाला भी रेंज है। अगर ये ब्रेक होती है 2602 तो फिर 2550 2551 की वाली जो रेंज है इस तक आराम से रिलायंस आराम से जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 2602 का लेवल ब्रेक हुआ रिलायंस में तो और ज्यादा तेजी गिरावट आने के चांसेस बन जाएंगे यहाँ पे। और अगर ये इस लेवल 2600 के आसपास या 2590 के आसपास से लेवल से रिवर्सल लेता है रिलायंस और वापस उसमें स्ट्रेंथ दिखाता है, और अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आने के चांसेस बन सकते हैं फिर। तो इसके कंडीशन ये यहाँ पे। और बाकी अगर आईटी सेक्टर में देखा है तो आईटी सेक्टर में पूरे में गिरावट है। तो मैं निफ्टी आईटी का एक बार चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे। तो ये लेवल से यहाँ जिसने पहले ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे लेकिन इसने सस्टेन नहीं करा उस जगह के यहाँ पे, फिर ये वापस इस जगह के नीचे की तरफ आ गया रेंज में। तो ये काफी थोड़ी सी कंडीशन नेगेटिव हो गई भी इसके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, पर उससे पहले एक बार हम एफ आई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। तो एफ आई ने 158 करोड़ की सेलिंग करी है, क्वांटिटी काफी कम है इनके अमाउंट के हिसाब से, और डीआईए ने 501 करोड़ की बाइंग करी है। तो इनकी क्वांटिटी भी काफी नॉर्मल सी है, तो इनका कोई ज्यादा खास इंपैक्ट है नहीं। इसलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का हम देखते हैं वीकली पे। तो वीकली पे तो देखो बहुत सारे टाइम से कंडीशन ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन हाँ ये चीज देखिए कि बैक टू बैक इतनी कैंडल अगर ग्रीन बना रहा है मार्केट, जैसे ये 5 सप्ताह से ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन आ सकता है यहाँ पे, इसकी चांसेस बन सकते हैं इस कंडीशन पे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अगर वीकली में 42,975 के नीचे क्लोजिंग देता है तो थोड़ी सी फिर शार्प करेक्शन नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो वीकली बेसिस पे हो गया। अब डेली की बात करते हैं, डेली पे क्या कंडीशन लग रही है यहाँ पे।
तो डेली पे यहाँ पे इसे थोड़ा सा भी और नेगेटिविटी थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, हैंगिंग मीन टाइप की कैंडल बनाई है इसने, आप भी देखेंगे टॉप पे। तो ये भी देखो बैंक निफ्टी तो और ज्यादा अच्छा चला है अक्टूबर से, अगर चलने लगा है यहाँ पे सेप्टेम्बर अक्टूबर से, तो काफी अच्छा मोमेंटम इसने बैंक निफ्टी ने दिया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखें, बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग आनी है तो काफी अच्छी सेलिंग आएगी, और सेलिंग में ही ज्यादा अच्छा पैसा बनता है जब मार्केट गिरने लगेगा, क्योंकि बाइंग धीरे धीरे बढ़ता रहता है मार्केट, पर सेलिंग शार्प होगी तो वो चीज का ध्यान रखें। और बैंक निफ्टी को किसने संभाला था पूरा, एचडीएफसी बैंक ने, उसका चार्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उससे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या बन सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग हुई है 4,363 के वहां पे, ठीक है। तो 4,363 के ऊपर अगर इसमें लेवल पे रेजिस्टेंस आती है तो पहली आएगी 4,390 के आसपास का एक लेवल आएगा, ये माइनर रेजिस्टेंस आ सकती है। अगर ये ब्रेक करता तो 43,772 फिर 43,855, ये एक रेजिस्टेंस दोनों बनेगी इसमें कंटिन्यू में। और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, 43,512 का लेवल है उस पर सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे पहला जो सपोर्ट आएगा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ढंग का सपोर्ट ये लगता है, उसके बाद तो एक रेंज आएगी यहाँ पे 43,411 से लेकर 43,377, 43,411 से लेकर 43,377। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, जो ट्रेंड लाइन इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं, तो वो आपको आराम से दिख जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा चल रहा है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे इस कंडीशन में, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ना, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे अगर चलने लगता है यहाँ पे, तो ये लेवल भी सेम आ रहे हैं यहाँ पे और ये ट्रेंड लाइन का लेवल भी सेम आ रहा है, तो अगर इसके नीचे आता है तो फिर थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए फ्राइडे को भी ना बैंक निफ्टी और ज्यादा गिर सकता था, पर कहीं ना कहीं बस वो है ना एचडीएफसी बैंक की वजह से ही मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी इसमें आ गई, तो वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगर बाई चांस एचडीएफसी बैंक गिरा तो ये फिर बैंक निफ्टी संभालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी बैंक का इतना सपोर्ट नहीं था, सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने ही मेन सपोर्ट यहाँ पे करा था। मैं आपको इसके लिए एक बार एक निफ्टी की जो पीएसयू बैंक है उसका चार्ट दिखाता हूँ एक बार। एक मिनट, पीएसयू सेक्टर का जो चार्ट होता है वहां पे इंडेक्स की जो चार्ट है यहाँ पे उसमें मैं दिखाता हूँ सेक्टर वाले जो होते हैं। पीएसयू बैंक का ये रहा, तो पीएसयू बैंक के आप चार्ट में आप देखेंगे ना तो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। अभी देखिए काफी अच्छे से टाइम से पीएसयू बैंक चल रहे हैं, पर इस टाइम की कैंडल बनाई ना इस बार इस वीक डे पे फ्राइडे को, वो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है, और ये वाली वीकली कैंडल थोड़ी सी मुझे नेगेटिव लग रही है। इसमें दिखने में ग्रीन है पर जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, ऊपर से शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है यहाँ पे, तो वो चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। और एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एचडीएफसी बैंक में क्या रही है कंडीशन। ये देखिए एचडीएफसी बैंक में क्या है ना, एक रेंज में फंसा हुआ है ये, तो अगर ये रेंज से आ तो अब देखते हैं ऊपर रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पे, ये 1,600 1,637 से लेकर 1,641, मतलब ये इस रेंज में अगर रेजिस्टेंस ले वापस हो सकता है टकरा के वापस नीचे जाए, या फिर इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 1,658 की रेंज तक आराम से जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके टकराता है, अगर इसमें रिवर्सल आया भाई साहब तो फिर वो पूरे मार्केट में बैंक निफ्टी के उसमें पूरा रिवर्सल बना देगा, तो वो चीज ध्यान रखना। क्योंकि देखिए यहाँ पे उस दिन भी इसने 1,622 के यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, और इसी जगह से सपोर्ट लेके इसने ऊपर दिया था, और इसी टाइम पे वापस से बैंक निफ्टी में 12:30 बजे रिवर्सल आया, तो इसी ध्यान रखने के। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।